हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स। बच्चों, जैसा हम सबको पता है कि हमारी इंग्लिश की अल्फाबेट फैमिली में टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें कुछ स्पेशल अल्फाबेट्स होते हैं जिन्हें हम वोवल्स बोलते हैं। बच्चों देखो, हमारी पांच उंगलियां होती हैं, इसी प्रकार से हमारे पांच वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ए ई आई ओ यू। और बचे हुए अल्फाबेट्स को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन एक्सेट्रा, इन सभी को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब बात आती है कि वोवल्स का यूज क्या है। बच्चों देखो, जैसे हिंदी में हमारे पास स्वर होते हैं, ए आ ई ई ऊ ऊ, ठीक उसी प्रकार से हमारे पास इंग्लिश में ये पांच स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, जिन्हें हम वोवल्स कहते हैं। जैसे हिंदी में स्वर होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में वोवल्स होते हैं। इनका यूज हम मात्राओं के लिए करते हैं, जैसे हिंदी में भी हम मात्राएं बनाने के लिए ए की मात्रा, आ की मात्रा, उनका यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से वोवल्स का यूज भी इंग्लिश में मात्राएं बनाने के लिए, वर्ड्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। कहीं पर हम वोवल्स को एक अकेले वोवल्स को भी यूज करते हैं, और कहीं पे हम दो वोवल्स को इकट्ठे भी यूज करते हैं। इसके बाद जो बचे हुए कॉन्सोनेंट्स होते हैं, हिंदी में जैसे हमारे पास व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में हमारे पास ये 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो कि हिंदी में व्यंजन कहलाए जाते हैं। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अल्फाबेट फैमिली को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स क्या क्या है एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी के बचे हुए क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। थैंक यू।